हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का श्री शिवाय नमस्तुभ्यम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में आपको रुद्राक्ष की जानकारी देने वाला हूं, जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। रुद्राक्ष बटेंगे नहीं बटेंगे, आज से मिलेंगे या फिर अगले हफ्ते से बटेंगे, तो वो सब जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपको बता दूँ कि अगर आप नए चैनल पर हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी थोड़ा सा लाइक कर दें। अगर आप कुबेर धाम या फिर प्रदीप मिश्रा जी पर विश्वास करते हो तो प्लीज़ एक लाइक करें एंड वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मैं आपको कोई वो नहीं कर रहा हूँ, फोर्स नहीं कर रहा हूँ। अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो ही आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि अभी रुद्राक्ष की तैयारी चल रही है जोरों शोरों से, क्योंकि जो गुरुजी ने बोला था कि हम फिर से रुद्राक्ष का वितरण करेंगे बीच में, और वो रुद्राक्ष का वितरण 12 महीने होगा, तो हम उस चीज़ को हम बताने वाले हैं आज कि वो रुद्राक्ष वितरण कब से स्टार्ट होने वाला है और गुरुजी की क्या क्या तैयारियां हो गई हैं। तो काफ़ी लोग अभी आ रहे हैं और दर्शन का लाभ भी उठा रहे हैं, तो काफ़ी लोगों को दर्शन भी हो रहे हैं। अभी रुद्राक्ष तो फिलहाल अभी बंद है, क्योंकि जो तैयारी चल रही है वो काफ़ी जोरों शोरों चल रही है, तो अभी थोड़ा सा दिक्कत होगा रुद्राक्ष का वितरण करने में। लेकिन रुद्राक्ष अभी आ चुका है कुबेर धाम में, तो जल्दी से जो है कि रुद्राक्ष वितरण होगा और उसकी तैयारी भी हो रही है। तो रुद्राक्ष तो आ चुका है, रुद्राक्ष काफ़ी बांटे जाएंगे। तो आज की वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि रुद्राक्ष वितरण में जो हुआ था उसमें काफ़ी लोग आए थे रुद्राक्ष लेने, तो यहाँ पे काफ़ी सारी पब्लिक इकट्ठी हो गई थी, तो थोड़ा अफरा तफरी का भी माहौल था थोड़ा सा। तो यहाँ पे कोई दिक्कत ऐसी नहीं आई कि कुछ हो गया किसी को, तो ऐसी कोई माहौल नहीं बना, पर लोगों ने जो अफवाह फैलाई थी वो गलत थी। तो दोस्तों यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हुआ था, कोई भी लोग की मृत्यु नहीं हुई थी ऐसे आपातकालीन, तो जो हमारे गुरुजी को बदनाम करने की साजिश थी सारी की सारी। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपको ऐसी ही जानकारी लाता रहता हूँ क्योंकि मैं सीहोर में ही रहता हूँ, और आपको जो भी जानकारी चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करें आपको क्या जानकारी चाहिए, मैं आपको वही वीडियो बना कर दूँगा। सीहोर की हर एक जानकारी कुबेर धाम से रिलेटेड पूरी जानकारी मैं आपको उपलब्ध कराऊँगा। और जो कि यार जो रुद्राक्ष वितरण हो रहे थे 16 तारीख को, तो काफ़ी लोग आ रहे थे और काफ़ी लोगों को रुद्राक्ष भी मिल गया है, तो वो जिन लोगों को रुद्राक्ष मिल गया है वो काफ़ी खुश थे, जिन लोगों को नहीं मिला वो काफ़ी थोड़े से हताश थे। लेकिन हमारे गुरुजन बोला कि यहाँ का कंकर ही शंकर है, तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।